हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। सो आज का हॉल बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगी दिवाली स्पेशल मिंत्रा से, जो आपकी फेवरेट है। और फेस्टिव सीरीज़ तो बहुत टाइम से चल रही है, बट ये दिवाली स्पेशल हॉल है, क्योंकि मैं फेस्टिव सीरीज़ में आपको इंडो वेस्टर्न साड़ीज़, 1 मिनट साड़ी, लहंगा, सूट्स, कुर्ती सेट, अनारकली, बहुत कुछ दिखाई हूँ डिफरेंट डिफरेंट साइड से। तो आज का हॉल भी बहुत डिफरेंट होने वाला है। जिनको जो भी पसंद है, मैंने कोशिश की कि उनको कुछ मिल जाए, लाइक शरारा सेट, अनारकली कुर्ती, 1 मिनट साड़ी, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे पिक करा है, इंडो वेस्टर्न भी पिक करा है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और जो भी ज्वेलरीज मैंने वेयर करा, हील, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो गाइज, क्योंकि रियली मुझे आपकी प्यार और हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैंने पिक करा है अनारकली कुर्ता विद दुपट्टा। इस पर आपको चूड़ीदार या प्लाजो नहीं मिल रही है। सो कुर्ता फैब्रिक जॉर्जेट है, लाइनिंग उस पर शैंटून की है, दुपट्टा नेट की है गाइस। तो लैवेंडर एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, जो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। राउंडनेक के साथ है, उस पर गोटा पट्टी की डिटेलिंग करी हुई है। शॉर्ट स्लीव साड़ी है इस पर, और इस पर मेरा साइज़ लार्ज है, ये मुझे थोड़ी लूज़ हो रही है। अगर आप मीडियम पहनते हो तो मीडियम पे ही जाना। सो लाइनिंग के साथ है, बहुत कंफर्टेबल है। एंड यहाँ से प्लीट्स बनी हुई है, जो बहुत ही छोटी छोटी सी प्लीट्स हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। बैक आप देखोगे तो बैक इसका बहुत प्यारा है, उस पर डोरी दी हुई है। नीचे को बहुत ही चौड़ी सी पट्टी दी हुई है पिंक कलर की, और इसका जो मटेरियल है मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। दुपट्टे पे दो ना सामने को गोटा पट्टी की डिटेलिंग भी दी हुई है। चारों कोने पे लेस तो दिया हुआ है अच्छी क्वालिटी की, एंड उसके साथ डिटेलिंग भी दी हुई है। तो कुर्ती एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल है, इंडस ब्रांड की है, और इंडस ब्रांड की जो कुर्ता सेट्स होती है वो बहुत प्यारी होती है। सो प्रिंटेड भी है, निकलने का कोई टेंशन नहीं है। आप कलर देख सकते हो, लैवेंडर एंड पिंक का कॉम्बिनेशन, तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा। मेरी हाइट 5'4" है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी लॉन्ग हो रही है। मैंने 2 इंचेस हील पहने हैं इस पर। नीचे भी सेम लेस आपको मिल रही है, उसके बाद आपको पिंक कलर का बॉर्डर मिल रहा है। फ्लेयर भी बहुत अच्छी है, इस पर इनर लाइनिंग भी मिल रही है, तो कंफर्टेबल भी बहुत है। सो अगर आप अनारकली पहनना पसंद करते हो तो आपके लिए एकदम परफेक्ट कुर्ती सेट है। और इंडस की थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ये मुझे मिली है 2800 रुपीज़ की, और इस ब्रांड की प्राइस हाई लो होते रहती है गाइस। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, जो जब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में हो तभी ले, क्योंकि डिस्काउंट में जाते रहती है। इस पे जो मैंने सेट पहना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने विथ मांगटीका और विदाउट मांगटीका दोनों तरीके से आपको दिखाया। अगर आपको मांगटीका ज़्यादा लग रहा है इस दिवाली में लगाना, तो आप विदाउट मांगटीका भी वेयर कर सकते, जैसे आपको पसंद है। दोनों लुक मैंने आपको दिखाई है। सो कमेंट में ज़रूर से बताना कैसी लगी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है बहुत ही डिफरेंट क्रॉप टॉप और स्कर्ट। इसका मटेरियल सैटन जॉर्जेट है, बहुत प्यारा मटेरियल है गाइस। एंड इस पर आपको मिरर वर्क मिल रहा है, स्लीव स्पेस की स्लीव बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड स्कर्ट पे मिल रही है मिरर वर्क। सो इसका मटेरियल भी बहुत कंफर्टेबल है, सैटन जॉर्जेट मटेरियल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इस पर मेरा साइज़ मीडियम है, परफेक्ट फिट आई है मुझे। एथनिक प्रिंट में है ये, आपको राउंड नेक मिल रही है और लॉन्ग पफ स्लीव्स मिल रही है। सो बहुत ब्यूटीफुल सेट है, इनर लाइनिंग के साथ आ रही है। और इसका प्राइस ये भी मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिला है, अभी मैंने सेल पे ली थी और करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक में आते जाते रहती है गाइस, तो चेक कीजिए। ये मुझे मिली है 2500 रुपीज़ में, और इंडस ब्रांड की है ये। सो इसकी जो क्रॉप टॉप है ना, उसके अंदर ये इनर लाइनिंग आपको मिल रही है, क्योंकि क्रॉप टॉप ऐसा बनाया है कि बाई चांस अगर आपकी हाथ ही ना ऊपर नीचे हो रही है तो बहुत अकम्फर्टेबल आप फील करो। और इस पर साइड जिप भी मिल रही है। सो स्लीव्स बहुत प्यारी है, जो मिरर वर्क मुझे लगी हुई है, और जो स्लीव्स का पैटर्न है ना, इतना ब्यूटीफुल मुझे लगा। मतलब अगर आप कुछ डिफरेंट ढूंढ रहे हो, कुछ डिफरेंट भी हो और एट द सेम टाइम बहुत ब्यूटीफुल लगे, तो ये सेट आपके लिए परफेक्ट है। सो यहाँ पे जितनी मैं दिखा रही हूँ ना, इतना ओपन रहता है, और उसको इस तरीके से आप टाई कर सकते हो। लाइक स्लीव्स तो पूरा बंद है, सिर्फ इतना लॉन्ग ओपन है, और ऐसे आप टाई कर लो, और कुछ ऐसे लुक आती है। सो आप कुछ आप सामने खुद देख के बता सकते हो कि लुक आपको कैसी लगी। एंड जो मिरर का वर्क करा हुआ है वो फ्रंट और बैक स्कर्ट पे दोनों पे करी हुई है। प्रिंट बहुत प्यारी है, रेड एंड ग्रीन का एंड कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। सो कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट में बताएं। मेरी हाइट 5'4" है, मुझे कुछ इतनी हो रही, लाइक इतना लॉन्ग हो रही है, और मैंने इस पर 2 इंचेस हील्स पहने हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही सिंपल लुक रखा है मैंने इस पर, सिर्फ एक ईयर रिंग्स डाले हैं सिंपल सी, इस पर कोई ज्वेलरी मैंने नहीं डाली,
रही है क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, इस पर आपको कुछ हेवी करने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। सो स्कर्ट का जो पैटर्न है ना वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों में है। लाइक एक पार्ट अगर आप देखोगे कलियाँ बनी हुई है स्ट्रेट एंड देन हॉरिजेंटल, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। सो कैसी लगी आपको कॉमेंट में ज़रूर से बताएं, मैं ये वाला हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है सरारा सेट एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन है गाइस। इसका वीनिक के साथ आती है, नेक पे आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल रही है, बैक पे भी वीनिक है बट वो प्लेन है, फ्रंट पे मिरर वर्क मिल रहा है फुल कुर्ती पे एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लिबास ब्रांड की है तो आपको पता है लिबास ब्रांड की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। एंड इस पर शरारा कुर्ती और दुपट्टा मिल रहा है, दुपट्टा नेट का है, कुर्ती और शरारा पॉली जॉर्जेट काइंड ऑफ मटेरियल, बहुत प्यारा मटेरियल है गाइस। मटेरियल बहुत कम्फर्टेबल है, इनर लाइनिंग के साथ शरारा और कुर्ती दोनों आ रही है। सो इस पे सैंटोन का इनर लाइनिंग आपको मिल रही है और मिरर वर्क ना एक्चुअल में जब आपको रिसीव होगा तो ये बहुत शाइन करेगा, जैसे आप दिवाली में या वेडिंग पार्टी में आराम से वेयर कर सकते हो। मेरी हाइट 5'4" है और लेंथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ये आपके हाइट के हिसाब से कितनी होगी। और इसकी जो साइड स्लिट है ना ये थोड़ी सी अप है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप साइड से यू नो स्टिच भी करा सकते हो। दुपट्टे पे ऐसे लेस बनी हुई है जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, चारों कोने पे आपको मिल रही है और विथ और लेंथ दुपट्टे की काफ़ी अच्छी है। सो शरारा पे ना बहुत ही फ्लोई फ्लेयर बना हुआ है और घेर एक नंबर है, इनर लाइनिंग भी है तो कंफर्टेबल भी है और इस तरीके से बीच बीच में आपको शरारा पे रफल्स मिल रही है। सो मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि ऐसे जो डार्क कलर होते हैं ना लाइक ये डार्क मैजेंटा कलर, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सो इस वजह से मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, जल्दी से ग्रैब कर लो। और साइड पे ना शरारा पे ये बनी हुई है लटकन, जिस जो कपड़े का ही मटेरियल लाइक कुर्ती का ही मटेरियल है, डिज़ाइन भी सेम है और ये एक्चुअल में बहुत प्यारी भी लग रही है। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ। जो भी ज्वेलरी मैंने पहना है इसका लिंक में इसका वीडियो में बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। सो कमेंट ज़रूर से करना। ये मुझे मिली है 3000 रुपीज़ में एंड इसका साइज़ लार्ज है जो मुझे काफ़ी लूज़ हो रही है, आई गेस मुझे मीडियम ही लेना चाहिए था, तो अगर मैं थोड़ा और फिटेड पहनती तो ज़्यादा बेटर लगता। सो जो साइज़ आप पहनते हो उसी साइज़ पर जाना एंड कमेंट ज़रूर से। नेक्स्ट मैंने पिक करा है लहंगा साड़ी, सी ग्रीन कलर में है, इसको मैंने रेड ब्लाउज़ खुद के ब्लाउज़ के साथ स्टाइल करा है। सो इस पे पल्लू पे पूरा वर्क करा हुआ है, जरी का वर्क करा हुआ है, जॉर्जेट मटेरियल है इसका, रेड एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है गाइस, तो मैंने रेड ब्लाउज़ के साथ पेयर करा। आप चाहो तो ग्रीन ब्लाउज़ या फिर गोल्डन या फिर इसका जो ब्लाउज़ है वो भी स्टिच करा सकते हो, इसमें ब्लाउज़ पीस मिल रही है आपको। सो लहंगा की तरह है, जैसे आप स्कर्ट पहनते हो साइड पे जिप लगानी है आपको एंड पीछे से अटैच आपको पल्लू मिल रही है, तो बहुत ही सिंपल है इसे वेयर करना। और जिनको भी लहंगा साड़ी और 1 मिनट साड़ी पसंद है उनके लिए परफेक्ट है। ये मुझे मिली है 2500 रुपीज़ में, इंडस ब्रांड की है। जो इसके मटेरियल जो वर्क है वो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत यू नो इंडस ब्रांड की क्वालिटी वाली मिली है, इसका जो वर्क है वो मुझे उतनी क्वालिटी पसंद नहीं आई, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट जब मैंने पहना तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया फ्रैंकली। कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें पिक्चर्स में अच्छी लगती हैं एंड फोटोज़ की जो इंस्टाग्राम की दुनिया होती है उसके लिए, तो आप समझ लो ये बिल्कुल वैसा ही है। एक्चुअल में बहुत प्यारा नहीं लगेगा लेकिन जब आप इसे वेयर करके फोटोज़ या फिर वेयर करके निकलोगे अच्छे से रेडी होके तो ये बहुत प्यारा लगेगा। साइज़ मेरा इस पर मीडियम है जो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आई है, रेड ज्वेलरी के साथ मैंने इसे पेयर करा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी नया ही ख़रीदा है मैंने दिवाली के लिए। सो ये वाले भी कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताओ। बट जब मैंने ऐसे इसे वेयर करा गाइस तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट जैसे मैंने बेल्ट डाला इस पर, ओ माय गॉड ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी बेल्ट डालने के बाद। ये बेल्ट अमेजोन से है, गोल्डन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन करी हुई है इस पर। सो अगर आपके पास कोई भी गोल्डन बेल्ट सिंपल भी है तो वो भी आप इसे वेयर करोगे तो अच्छी लगेगी। आप देख सकते हो कि बेल्ट डालने के बाद जो लुक है ना वो टोटली चेंज हो गई। सो मैं रिकमेंड करूँगी, नॉट हाईली रिकमेंड, क्योंकि क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो नेक्स्ट वाली साड़ी आप देखो, वो भी बहुत प्यारी है। नेक्स्ट और लास्ट मैंने लहंगा साड़ी पिक करा है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर का लहंगा साड़ी है गाइज। इस पर मेरा साइज़ मीडियम है, प्राइस 3000 रुपीज़ में मिली है, इंडस ब्रांड की है ये, सेम मेरे वॉलगे कलर की साड़ी लग रही है। एंड पीछे का पल्ला आप देखोगे ना कुछ इस तरीके से प्लीट्स बनी हुई है
बहुत ब्यूटीफुल है स्कर्ट लाइक लहंगा साड़ी, आपको बस साइड से जिप लगाना है और एक आंचल बना हुआ है, इस पर सिर्फ आपको प्लीट्स बनानी है। सो जरी का वर्क करा हुआ है, सीक्वेंस का वर्क पूरे आंचल पे करी हुई है, जो गोल्डन आपको काम दिख रहा है वो पूरा सीक्वेंस की बहुत अच्छी क्वालिटी के वर्क करी हुई है। एंड जो बेस्ट पार्ट मुझे इस लहंगा साड़ी की लगी है, वो पीछे से अगर आप देखोगे तो पूरी प्लीट्स इस तरीके से बनी हुई है, आपको बस सामने को स्टाइल करना है, इस तरीके से सामने ले जा के पल्ला स्टाइल करना है। मैंने बस बेल्ट लगा लिया है, आप देखोगे सामने जो लटका है ना वो बहुत ही डिफरेंट पल्ला इसमें दिया हुआ है, लाइक बंगाली काइंड ऑफ स्टाइल का पल्ला दिया हुआ, स्टाइल का पल्ला दिया हुआ है, मैं स्टैंड बोल रही हूँ। और आपको शोल्डर पे बस पिन अप करना, वो प्लीट्स नहीं बनी हुई है, उसको आपको खुद को बनाना होगा। बैक पे अगर पल्ला देखोगे तो वो प्लेन है, सैटन मटेरियल है, इनर लाइनिंग के साथ है, बहुत कंफर्टेबल है। इस पे मैंने खुद का ब्लाउज वेयर करा है, ये अमेजोन से है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप फ्लेयर देखोगे तो फ्लेयर भी बहुत अच्छी है। सो कैसी लगी ये वाली साड़ी कॉमेंट में जरूर से बताओ, ऐसे हाईली रेकमेंड कर रही हूँ। जो भी ज्वेलरी मैंने पहने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। और ये वीडियो पसंद है तो प्लीज मेक श्योर करो, सब्सक्राइब करो गाइज, सपोर्ट करो, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।